नमस्कार, आप देख रहे हैं PC7 भारत न्यूज। खबर जनपद मिर्जापुर से। पुलिस अधीक्षक मिर्जापुर व जिलाधिकारी मिर्जापुर द्वारा संयुक्त रूप से पुलिस लाइन सभागार में आगामी त्यौहार नवरात्रि, दुर्गा पूजा एवं दशहरा के मद्देनजर की गई पीस कमेटी की बैठक, संबंधित को दिया गया आवश्यक दिशा निर्देश। आपको बता दें, जनपद मिर्जापुर में पुलिस अधीक्षक अभिनंदन व जिलाधिकारी मिर्जापुर प्रियंका निरंजन द्वारा संयुक्त रूप से पुलिस लाइन में सभागार में आगामी त्यौहार शारदीय नवरात्रि, दुर्गा पूजा एवं दशहरा पर्व को सकुशल एवं निर्बाध रूप से संपन्न कराने के मद्देनजर जनपदीय पुलिस महा प्रशासनिक अधिकारीगण, समस्त थाना प्रभारी, निरीक्षक, थानाध्यक्षगण सहित आयोजक बंधु के साथ पीस कमेटी की बैठक की गई। उक्त बैठक के दौरान आयोजक बंधुओं से उनकी समस्या और सुझावों के बारे में जानकारी का निस्तारण हेतु संबंधित अधिकारीगण को निर्देशित किया गया, तथा साथ ही साथ सुरक्षा मानक के अनुसार मूर्ति एवं पंडाल को बनाने स्थापित करने का आवश्यक निर्देश दिए गए। उक्त बैठक के दौरान अपर पुलिस अधीक्षक नगर, अपर पुलिस अधीक्षक ऑपरेशन, अपर जिला अधिकारी, क्षेत्राधिकारी, सदर क्षेत्राधिकारी, प्रशिक्षणधीन समस्त थानों के प्रभारी, निरीक्षक, थाना अध्यक्षगण सहित अन्य पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। अब देखिए, खास खबर दिखाएंगे PC1 भारत के संवाददाता प्रकाश सिंह की खास रिपोर्ट। देखते रहे PC1 भारत न्यूज। आपका PC1 भारत में आज मिर्जापुर जनपद में मौजूद है और यहाँ पर जनपद के हर अधिकारी मौजूद हैं और लगभग यहाँ पर सभी लोग जो जनप्रतिनिधि हैं वो आ चुके हैं। वैसे में आज क्या रहा, किस चीज़ की मीटिंग रही, क्या रहा कि पीस कमेटी की मीटिंग में, हम जानेंगे। पीस कमेटी का मीटिंग था, क्या निर्णय था? देखिए, आगामी जो माह है वो पूरा त्योहारों का माह है। इसमें दशहरा, दिवाली, नवरात्र और माँ विंध्यवासिनी धाम में इतना बड़ा मेला आयोजित होता है मिर्जापुर जनपद में, जिसको लेकर और संपूर्ण जनपद में भी विभिन्न स्थानों पर माँ दुर्गा की प्रतिमा और रामलीला का आयोजन किया जाता है, जिसको लेकर आज मेरे और पुलिस अधीक्षक और सभी संबंधित अधिकारियों के द्वारा शांति समिति का आयोजन किया गया था। लोगों की समस्याओं को सुना गया और संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया है और इसके साथ ही सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित कर सभी कार्यक्रमों को भलीभांति कुशलतापूर्वक संपन्न कराया। मैम, जिन रूटों पर दारू के ठेके टाइप हैं तो वहाँ पे कई बार ऐसे अराजकता हो जाती है, तो उसको लेकर कोई निर्देश? कानून व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए सभी चीज़ें सुनिश्चित।